मॉर्निंग फ्रेंड, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं अभी सुबह सुबह उठ रहा हूँ, देख सकते हैं सुबह के बजे हैं 7:07 मैं आज उठा हूँ। काफ़ी देर तक हमको कोई नहीं जगाया, सब दुश्मनी निभा रहा है। देख लीजिए सब हंस रहे हैं, देखिए और बोल रहे सूतो और एक घंटा सूतो। और आज संडे का दिन भी है और मंदिर पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए नहीं उठाए ताकि डांट सुने। कोई बात नहीं, देखिए पूरा चुस्की ले रहे, देखिए पूरा हंस रहे, एकदम पूरा मस्ती ले रहे हैं। कोई बात नहीं, अलार्म भी लगाए थे लेकिन सुबह एक बार नींद खुल गई जिसके कारण मैं फिर से सो गया और फिर नींद नहीं खुली। उसके बाद फिर मैं अभी जगा हूँ। खैर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से अपना काम कर लेता हूँ। अरे ब्लॉगिंग में बने रहे। फाइनली फ्रेंड, अभी मैं यहाँ पर हूँ। जब भी कभी आप मंदिर आए होंगे तो ज़रूरी देखे होंगे कि यहाँ पर किस तरह से लाइन लगी रहती है। और आज संडे का दिन है और संडे के दिन पर भीड़ बहुत ज़्यादा होता है मंदिर पर। और आज भीड़ बाहर में बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रहा है लेकिन मंदिर परिसर पर बहुत कम ही भीड़ दिख रहा है, क्योंकि जब मंदिर पर ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो सारी गेट बंद कर दी जाती है और एक गेट को सिर्फ ओपन रखी जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे लाइन लगे होते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको पूरा का पूरा खाली नज़र देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब धीरे धीरे मंदिर का क्या है कि जो श्रद्धालु लोग हैं वो उनकी संख्या अब बढ़ रही है, तो हो सकता है कि अब क्या होगा कि उधर का गेट बंद कर दिया जाएगा। और माँ छिन्नमस्तिके मंदिर पर करीबन 4 गेट हैं, 4 में से 1 गेट को सिर्फ निकासी द्वार के लिए रखा जाएगा और बाकी इधर के लिए प्रवेश के लिए खोल दिया जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर लाइन लगी जाती है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है दामोदर नदी, क्योंकि बहुत धुंधला सा नज़र आ रहा है मौसम की वजह से। देख सकते हैं यहाँ बोटिंग वगैरह का भी लुक उठा सकते हैं दामोदर नदी पर। जब भी कभी आएँ तो ज़रूर एक बार बोटिंग का भी लुक उठाएँ। तो चलिए मेरे ब्लॉगिंग पर बने रहें, आगे भी दिखाएंगे। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग और माँ छिन्नमस्तिके से रिलेटेड ब्लॉगिंग देखने के लिए और हमेशा उनसे अपडेट रहने के लिए आप हमारे ब्लॉगिंग पर बने रहें, क्योंकि मैं हमेशा से माँ छिन्नमस्तिके से रिलेटेड वीडियो अधिक बनाता हूं और खुद का भी प्रोटेक्ट करता हूं, खुद का भी कुछ पर्सनल वीडियो भी डालता हूं। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल पे बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए और आपको पता चले कि अभी माँ छिन्नमस्तिके मंदिर पर क्या चल रहा है। तो फिलहाल फ्रेंड, अभी मैं नीचे आ गया हूं और आपको दिखाता हूं कि जहां पर बोटिंग होता है उस जगह पर कैसा है या कैसा स्थिति है। आप देख सकते हैं यहां थोड़ा उतरने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम थोड़ा संभल के उतर रहे हैं और हमको नीचे देखना पड़ रहा है। आई थिंक हम उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ पर बोटिंग की सुविधा है। तो फिलहाल देख सकते हैं ये दामोदर नदी है, यहाँ पर नाव लगे हुए हैं बोटिंग के लिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे नाव हैं, तो यहाँ पर आप बोटिंग का सुविधा ले सकते हैं। और इससे आगे दामोदर और भैरवी का संगम है जहाँ पर दोनों का मिलन होती है और माना जाता है कि माँ छिन्नमस्तिके वहीं पर स्नान करने जाती थी, यानी नहाने जाती थी। और वहीं मान्यता है कि एक घाटी का रस्सी इतना गहरा था, बट अभी क्या है वो पता नहीं। और माँ छिन्नमस्तिका जिस रास्ते से जाती थी, जो सीढ़ी से, वो सीढ़ी देखिए यही सीढ़ी है, अब देख सकते हैं ये सीढ़ी है, इस रास्ते से उतर के वो वहाँ पर जाती थी स्नान करने के लिए। वो भी मैं दिखाता हूँ, अब देख सकते हैं जो अभी ऊपर से पानी गिर रहा है वो भैरवी नदी है और जो नीचे से जा रही है वो दामोदर नदी है। और जहाँ दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं भंडारदा,
और वहीं पर माँ छिन्नमस्तिके स्नान करने के लिए जाती थी। और मैं आपको सीढ़ी दिखा दिया और चलिए आगे दिखाता हूँ कि वो कौन से रास्ते से जाती थी। और मंदिर के अंदर एक कुआँ है जो अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि बहुत लोग देखने की कोशिश किए थे और गिर गए थे, इसीलिए उसे पूरी तरह से बंद कर दी गई। यही वो गेट है और वो सीढ़ी है जिस पर माँ छिन्नमस्तिके स्नान के लिए नदी की ओर जाती थी। और ये भी एक मंदिर का ही गेट है, चार में से तीसरा गेट। तो हमारे ब्लॉगिंग पर बने रहें।